Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dogra. आज इस वीडियो में बेटा आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू पाइथन लूप्स. पाइथन हैज टू टाइप्स ऑफ लूप्स, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप. एंड द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू इंट्रोड्यूस यू टू फॉर लूप ऑफ पाइथन. ओके, फॉर लूप सीखने के बाद बेटा यू विल लर्न हाउ यू कैन यू नो विजिट और लूप ओवर every element of various Python iterable objects such as strings, lists, dictionaries, Python files. आप किसी भी तरीके के object को कैसे access कर पाओगे, element by element, कैसा object, एक iterable object, ठीक है. So for बहुत simple loop है, बहुत easy to you know, बहुत जल्दी आप इसको समझ पाओगे, बहुत जल्दी grasp कर पाओगे. And when you learn how to use it, I can assure you, you'll enjoy working with for. Okay? So let's begin with our discussion on for loop. See, beta Python ke loops mein bhi else part hota hai. Like jaise if ka else hota hai, aise hi Python ke dono loops, while as well as for, they come with an else part. But giving the else part is not necessary. ठीक है. सो इन दिस एज दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर फॉर लूप, आई एम ओनली गोइंग टू फोकस ऑन फॉर लूप विदाउट द एल्स पार्ट. लेट्स फर्स्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ फॉर वर्क्स विदाउट एल्स, एंड देन इन द सबसिक्वेंट सेशंस यू विल ऑल्सो गेट टू नो हाउ वी कैन यूज एल्स विद अ फॉर. सो फॉर द सेक ऑफ यू नो एक्सप्लेनेशन, आई हैव केप्ट इट सिंपल. आई एम गोइंग टू ओनली टेक अप फॉर लूप विदाउट एल्स पार्ट इन दिस वीडियो. Okay, so let us now learn point by point and let us understand what is basically for without else. ठीक है, तो पहले for loop का purpose देखते हैं बेटा. For loop क्या होता है, देखो what is written out here. For loop in Python is used to iterate or loop over a sequence such as string, list, tuple or a collection such as a dictionary or for that matter you know any iterable object of Python. ठीक है, सो सीक्वेंसेस आपने पढ़ी, स्ट्रिंग्स होती हैं, लिस्ट होते हैं, टपल्स होते हैं, ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस होती हैं पाइथन की, या अनऑर्डर्ड पाइथन ऑब्जेक्ट्स होते हैं सच एज डिक्शनरी जिसे हम कलेक्शन कहते हैं, सेट्स होते हैं. ठीक है, आप इनको एलिमेंट बाय एलिमेंट आप कैसे विजिट करते हो, इन सीक्वेंसेस को कैसे लूप ओवर करते हो इनके एलिमेंट्स को और अपने डिजायर्ड मैनर में उसको प्रोसेस करते हो, दिस इज बेसिकली यू नो मेड वेरी सिंपल विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप. फॉर लूप इस काम को बहुत इजी कर देता है हमारे लिए. ठीक है, फॉर लूप बेटा एक डेफिनेट लूप कहते हैं इसको, इसकी नंबर ऑफ आइटरेशंस डेफिनेट होती हैं. ठीक है, वी कैन वेरी इजीली मेक आउट हाउ मेनी आइटरेशंस और हाउ मेनी पासेस और हाउ मेनी टाइम्स दिस फॉर लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट. हम इसकी आइटरेशंस डेफिनेट होती हैं और वी कैन डिटर्मिन दीज आइटरेशंस इन एडवांस. कैसे करते हैं, देखो आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हो नंबर ऑफ आइटरेशंस इन एडवांस. यू कैन सिंपली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सीक्वेंस और कलेक्शन. यू ऑल नो पाइथन हैज लेंथ फंक्शन दैट कैन बी यूज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी सीक्वेंस और कलेक्शन. आप उस सीक्वेंस की लेंथ निकाल लो. ठीक है, और उस लेंथ के अकॉर्डिंग यू कैन डिटर्मिन कि फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा. यू नो व्हाई दिस हैपेंस, बिकॉज फॉर लूप प्रोसेस अ सीक्वेंस एलिमेंट बाय एलिमेंट. तो जितनी सीक्वेंस की लेंथ होती है उतने टाइम्स वो फॉर लूप डेफिनेट नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट होता है. और जैसे ही वो सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाता है, दैट मींस यू आर थ्रू विद ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सीक्वेंस बेटा. ठीक है, यू हैव ट्रैवर्स्ड और यू हैव विजिटेड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट सीक्वेंस, फॉर लूप ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड. ठीक है, सो इन चारों पॉइंट्स की हेल्प से आप कुछ आइडिया ले पाए होंगे. मैं फिर से ब्रीफ करती हूँ उस चीज को कि फॉर लूप एक सीक्वेंस के या एक कलेक्शन के एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के प्रोसीजर को बहुत ज्यादा सिंपल बना देता है. आप हर सीक्वेंस के या हर कलेक्शन के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर पाते हो यूजिंग फॉर लूप. फॉर लूप के आइटरेशंस फिक्स्ड होती हैं, यू कैन डिटरमिन देम इन एडवांस, जस्ट सिंपली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट सीक्वेंस. एंड मोर ओवर लूप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स एज सून एज यू हैव एक्सेस द वेरी लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट सीक्वेंस. सो विद दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाउ वी आर इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. Syntax of for loop, again I am emphasizing that I am not including the else part in this session. So for loop ka beta bilkul simple syntax hai. For loop variable in
sequence or collection, then a colon, and then an indented block with some statements. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस सिंटैक्स पीस बाय पीस. फाइन, देखो इस सिंटैक्स में फॉर और इन जो हमने लिखा है ये कीवर्ड्स है. फॉर एंड इन, ठीक, फॉर एंड इन आर कीवर्ड्स. अब आप देखते हो फॉर के आगे आई हैव रिटन लूप वेरिएबल, दैट इज यू नो द लूप कंट्रोल वेरिएबल, जो हम यूजर डिफाइंड कोई भी आइडेंटिफायर होगा. ठीक है, लूप वेरिएबल is written immediately after the keyword for. आपने लिखा for, for के आगे लिखा loop variable, उसका जो loop को control करेगा. ठीक, वो इस loop variable का क्या purpose है वो अभी बाद में देखते हैं. पहले देखते हैं for के आगे आपने loop variable लिखा बेटा, in के आगे आप क्या लिखोगे? इन के आगे आप लिखोगे जो भी सीक्वेंस या कलेक्शन जिसके ऊपर आपको लूप को रन करना है. इधर द सीक्वेंस शुड बी ऑलरेडी क्रिएटेड, इन दैट केस यू विल मेंशन द नेम ऑफ दैट सीक्वेंस और कलेक्शन, और यू कैन डायरेक्टली मेंशन द सीक्वेंस ओवर हियर. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक स्ट्रिंग देना है आप एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ लिख दो, या डायरेक्टली इनके आगे स्ट्रिंग को डबल कोट्स में उसकी वैल्यू लिख दो. बोथ दीज थिंग्स आर गोइंग टू वर्क इन द सेम मैनर. फाइन, सो ये तो अब आपको पता चल गया कि फॉर के आगे विल यूज अ वेरिएबल नेम दैट द लूप कंट्रोल वेरिएबल, एंड इन के आगे आई हैव टू राइट द सीक्वेंस ऑफ द कलेक्शन यू नो दैट आई हैव टू आइटरेट ओवर. फाइन, अब होता क्या है, जब होता क्या, देखो लूप वेरिएबल इस सीक्वेंस में से एलिमेंट विद एवरी आइटरेशन एक एक एलिमेंट आता है और इस लूप वेरिएबल में स्टोर हो जाता है. ठीक है, सो दिस लूप वेरिएबल, अब पढ़ते हैं इस लाइन को पूरा. Which is written after the keyword for, what is the purpose of this loop variable? It is the object that stores the value of the element that is being fetched from the sequence or collection in each iteration. ज़्यादा लंबा सेंटेंस हो गया ना, चलो उसको ब्रेक करते हैं. देखो ये क्या कह रहा है, लूप वेरिएबल में जब आप सीक्वेंस पर लूप चला रहे हो उसका एक एक एलिमेंट बेटा हर आइटरेशन में से एक एलिमेंट उसका पिकअप होगा लेफ्ट टू राइट चलते हुए. जिस भी ऑर्डर में आपकी सीक्वेंस रन कर रही है उसमें चलते हुए एक एक एलिमेंट फेच होकर किस में आएगा, इस लूप वेरिएबल में. सो अगर मेरी जो भी आइटरेशन होगी उस प्रेजेंट आइटरेशन में इस सीक्वेंस का कोई करंट एलिमेंट आकर स्टोर्ड होगा. ठीक है, सो लूप वेरिएबल विल बेसिकली इट यूज टू होल्ड द आइटम ऑफ द सीक्वेंस विद एवरी आइटरेशन. ओके, अब सीक्वेंस और कलेक्शन आपने पढ़ा, सीक्वेंस होती है हमारी स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, या कलेक्शन हो गया डिक्शनरी, वो आप इनके आगे लिखते हो. सो बेसिकली इनमें इस सीक्वेंस में से हम एलिमेंट लेंगे और उसको लूप वेरिएबल में लेकर आएंगे. ठीक है, उसके बाद एंडिंग फॉर की कोलन से होती है. यू पुट कोलन एट द एंड, एंड वेन यू ऑल नो दैट एज सून एज यू प्रेस कोलन पाइथन ऑटोमेटिकली creates an indented block, and there has to be, you know, at least one statement inside this indented block. There may be many statements that will all depend upon your requirements. So after the colon is written, right after the sequence or collection name, and you press enter, the indented block can be used to write one or more Python statements that form the body of for. So this is basically the syntax of for. Very simple, for any loop control variable, name it. Give it a user-defined name, मतलब meaningful name. Then write in, and after in write the sequence. Put a colon, and when you press enter, inside the body of for, you process the fetched elements of the sequence in the desired manner. जिस तरीके से भी आपको उस element को process करना है, आप वो statements यहाँ पर दे सकते हो. So this is for without else syntax-wise. और जल्दी से इसकी flowchart देख लेते हैं. See. This flowchart syntax I have again copied for your convenience, children. देखो हर sequence start होती है, sequence या collection में कुछ elements होते हैं, वो beginning से fetch होना शुरू करते हैं. जैसे ही आप element को fetch करते हो, for की body कब तक चलती है, मैंने आपको बताया loop, for loop run करता है जब तक सीक्वेंस में एलिमेंट्स होंगे. एज सून एज यू नो द सीक्वेंस एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस हैव बीन यू नो एक्सेस्ड. There you've visited them, you've traversed over each and every element, the for loop is going to stop. ठीक है, so जब element आता है हम check कर लेते हैं क्या वो last element cross हो गया है. जब तक last element exist नहीं हो जाता बेटा,
एक एक एलिमेंट आता जाएगा और फॉर की बॉडी चलती चली जाएगी, ठीक है। सो फॉर की बॉडी में आप कब एंटर करते हो? एज लॉन्ग एज देर आर एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस और द कलेक्शन दैट यू आर आइटरेटिंग ओवर, एज सून एज यू एक्सेस द लास्ट एलिमेंट, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस हैव बीन विजिटेड, ठीक है। सो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, दैट इज लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो चुका है और आप फॉर की बॉडी से बाहर आ जाओगे। तो प्रोग्राम विल कंटिन्यू, यू हैव रिटन सम स्टेटमेंट्स आफ्टर फॉर, दे विल कंटिन्यू, एंड इफ दे आर नो मोर स्टेटमेंट्स आफ्टर फॉर, योर स्क्रिप्ट इज गोइंग टू टर्मिनेट। सो अगेन देख लो, लिस्ट एक एक एलिमेंट विजिट होगा, अगर वो लास्ट एलिमेंट नहीं है तो बॉडी ऑफ फॉर में स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, गिवन स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। जब लास्ट एलिमेंट एक्सेस हो चुका होगा उसके बाद, क्योंकि कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स विजिट हो चुके हैं, सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स विजिट हो चुके हैं, आपका फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस सिंटैक्स वाइज एंड फ्लो चार्ट वाइज एक्सप्लेनेशन, आई विल नाउ शो यू प्रैक्टिकली हाउ वी कैन पुट फॉर लूप इनटू यूज फॉर आइटरेटिंग ओवर स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स and tuples and dictionary. Okay, so I hope you're all ready with to you know move along with me. So let's proceed to Python. See, I have already opened this Python editor and I have created a py file, a skeleton py file for underscore string dot py, because main is कोड के थ्रू आपको फॉर लूप को स्ट्रिंग्स पर लगाकर करना बताऊंगी बेटा, ठीक है। सो ऑलरेडी क्रिएटेड अ स्ट्रिंग कॉल्ड एस एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट दैट इज रेफरिंग टू अ स्ट्रिंग हुज वैल्यू इज पाइथन, ओके। सो लेट्स प्रोसीड एंड सी हाउ वी कैन विजिट दिस स्ट्रिंग, द एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग एस यूजिंग अ फॉर लूप, ओके। तो देखो हमने क्या सीखा बेटा, फॉर मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है, और मैंने सीखा एक कीवर्ड और इन। अब मैंने आपको बताया फॉर के आगे आप लूप वेरिएबल दोगे बेटा, जिसमें भी आपको सीक्वेंस के एलिमेंट्स को लेकर आना है वो वेरिएबल, ठीक है। सो क्योंकि मुझे इस स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एक्सेस करना है, सो लेट मी नेम इट सी एच, फॉर सी एच इन, ठीक। अब इन के आगे मैंने आपको क्या बताया था, आप सीक्वेंस का नाम लिखोगे बेटा, है ना। तो आपने यहाँ एस लिखा, ठीक। अगर आपने सीक्वेंस को नहीं बनाया होता मान लो, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी पाइथन लिख सकते थे, ठीक है। इधर यू गिव द सीक्वेंस डायरेक्टली और यू गिव द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज रेफरिंग टू दैट सीक्वेंस, फाइन। सो हमने क्योंकि यहाँ एस बना रखा है, हम यहाँ एस लिखेंगे एंड देन आई पुट अ कोलन। अब इस लाइन का मतलब बहुत ध्यान से समझो, ये लाइन आपको कह रही है कि एस सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट सी एच में आता चला जाएगा और जो भी हमें लूप में उस सी एच के साथ करना है, सिंपली आई एम टू प्रिंट दिस सी एच, है ना। तो मैं उसको जो भी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स हैं ओवर दिस लूप वेरिएबल, आई कैन प्लेस देम इनसाइड माय लूप, ओके। और आप मुझे ये भी बता पाओगे अभी, क्योंकि अगर आपने ध्यान से शुरू से वीडियो देखी, आप ये बता पाओगे कि ये लूप कितनी बार चलेगा, हम कैसे डिटर्मिन करेंगे, क्योंकि मैंने एस लिखा है, एस की लेंथ बेटा 6 है, सी दिस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज 6, सो दिस लूप इज गोइंग टू रन 6 टाइम्स, ओके। सो डेफिनेट लूप है, आई कैन इमीडिएटली टेल द आइटरेशंस इन एडवांस, फाइन। सो लेट मी प्रेस एंटर एंड नाउ लेट मी जस्ट राइट प्रिंट सी एच, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने प्रिंट सी एच लिख दिया, ठीक। सो मैं सिर्फ इस स्ट्रिंग को एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सेस कर रही हूँ और एक एक एलिमेंट मेरा सी एच में आता चला जाएगा और उस सी एच को मैं सिंपल प्रिंट करा रही हूँ। बेटा ध्यान रखना इसको, अगर जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता, एक काम करा करो, आप यहाँ जो सीक्वेंस है ना उसको यहाँ ओपन अप करके लिख लो मेरी बात मान के, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस को ओपन अप करके इधर लिख लो, कमेंट एंट्री करी है मैंने, सो इट इज लाइक पी वाई टी एच ओ एन, आई हैव रिटन दिस। अब आपके लिए ये डिटरमिन करना मुश्किल नहीं होगा कि कैसे लूप चलेगा। देखो आप पहले सी एच में क्या आएगा, पी, पी विल बी ब्रॉट इन टू सी एच एंड इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट बाई एलिमेंट इस सीक्वेंस से एक एक कैरेक्टर उठेगा एंड इट विल बी फेच्ड इनटू दिस लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप वेरिएबल विच इज सी एच
and I'm simply printing this character on screen. I could have processed it in various other ways, so this is going to become clear to you in the forthcoming videos, but for the time being, just for the sake of explanation, I'm only printing ch. ठीक है, तो पहले ch में क्या आएगा बेटा, ch में पहले p आएगा, वो print हो जाएगा. Next element is y, then y will be brought into ch and printed. Next element is t, it will be brought into ch and printed. Then h will be brought into ch and printed. Similarly, o will be brought and printed. And the last sixth iteration, n will be brought into ch and printed. And as soon as all the elements of this sequence s have been visited, the loop is going to end on its own and control will move out to the statement following for loop. So it's just simply, I'll write outside for loop. Okay, so we are now in a position to execute this string or a string, execute this script, and let's see what the execution does for us. See, as I told you, how it is running, beta, ye string mein se pehle p ch mein aaya, wo print hua, then y was brought into ch and they printed. Then T was brought into CH and printed, H was brought into CH and printed, O was brought into CH and printed, N was brought into CH and printed, and once all the six elements were accessed, the for loop ended and control moved to the statement outside for loop, and this print statement mein jo print function mein jo humne outside for loop diya tha beta, ye string print ho gayi. ओके, सो वेरी सिंपल. आपने देखा कैसे करना है बेटा, ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ. फॉर के आगे आप वेरिएबल लिखोगे, लूप वेरिएबल, इन के आगे आप सीक्वेंस दोगे, और फिर आपका सारा काम फॉर लूप अपने आप हैंडल करेगा. एक एक एलिमेंट सीक्वेंस का सी लूप वेरिएबल में लाएगा, एंड जो आपने उस लूप वेरिएबल के साथ करना है अकॉर्डिंगली गिव दो स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ for. So body of for will comprise of all the indented statements, and how do I make out that the body of for is indented? The first unindented statement, theek hai, will be, you know, my statement outside the for loop. So it was so simple to access a string with for loop. Let's try and do the same with a list. Theek hai? So again I've made a skeleton code for underscore list, and I'm going to tell you how to do it. Theek? अब यहाँ मैं लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना रही बेटा, मैं डायरेक्टली डालूंगी यहाँ पर. ठीक है, सो मैंने लिखा फॉर एलिमेंट इन, आई गिव द लिस्ट राइट अवे ओवर हियर, 10, 20, 30, 40, 50. सपोज आई हैव रिटन लाइक दिस, आई हैव गिवन द लिस्ट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इन. मैंने आपको बताया ना, या तो आप एक लिस्ट ऑब्जेक्ट दो, लिस्ट को एक ऑब्जेक्ट में सेव करके वो लिखो, या आप डायरेक्टली भी वैल्यू यहाँ दे सकते हो. पुट अ कोलन बेटा. ठीक है, सो मेरा लूप वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एलिमेंट, और मेरी सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक, सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, आई विल सिंपली प्रिंट दिस एलिमेंट, ओके, एंड क्लोज द ब्रैकेट. फाइन, एंड आफ्टर क्लोजिंग द ब्रैकेट चिल्ड्रन, आई एम अगेन गोइंग टू राइट दिस स्टेटमेंट प्रिंट आउटसाइड फॉर लूप. ठीक है, सो शैल वी रन इट, यस आई विल. देखो, ठीक है, सो आपका जो कोड रन हुआ, लेट मी ओपन द कोड ऑल्सो फॉर यू, दैट इज दिस वॉज द कोड, एंड यू कैन सी दैट हाउ एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट वॉज एक्सेस्ड. आप बता पाओगे मुझे कितनी बार लूप चला? बिल्कुल बता पाओगे, 5 times लूप रन हुआ है, और पहली आइटरेशन में 10 आया है, सेकेंड आइटरेशन में 20 आया है एलिमेंट में, देन 30 इज ब्रॉट, देन 40 इज ब्रॉट, देन 50 इज ब्रॉट. आफ्टर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट हैव बीन एक्सेस्ड, द लूप हैज एंडेड एंड कंट्रोल हैज मूव्ड आउट ऑफ द फॉर लूप, द फर्स्ट अनइंडेंटेड स्टेटमेंट, एंड दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड फॉर यू. इफ यू कैन सी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस लिस्ट हैव बीन प्रिंटेड ऑन सेपरेट लाइंस यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, एंड वी हैव सिंपली एक्सेस्ड दिस लूप इन अ वेरी कन्वीनियंट मैनर यूजिंग फॉर लूप. ठीक है बेटा, सो
आई होप जैसे देखो वर्किंग बिल्कुल सेम है बेटा, फॉर लूप की वर्किंग हर सीक्वेंस के साथ सेम है। आपको फॉर के आगे लूप वेरिएबल देना और इनके आगे सीक्वेंस देना, एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट यू वांट टू डू विद दैट एलिमेंट। यहां हमने सिर्फ उसको प्रिंट कराया बेटा, ठीक है। सो लेट मी नाउ प्रोसीड टू द थर्ड एग्जाम्पल एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन यूज फॉर लूप टू एक्सेस अ टपल। ओके, सो लेट्स सी अगेन for underscore tuple and let me make a tuple object so tuple is also a python sequence in which every element is written in round brackets all the elements are written in round brackets and tuples are immutable so I'll just write for element in t t is my sequence and element is my loop variable. और यहाँ आपने इस element को sorry t को sorry element को print करा दिया बेटा, fetched element को print करा दिया, and then again you will write print outside for loop. Okay, so let's run this code. Run करके देखते हैं. See, it's led to the same output because my tuple elements were same 10, 20, 30, 40, 50. आपने कैसे किया बेटा? For element in t. I hope आप confident हो गए होंगे. For के आगे loop variable जिसका नाम मैंने यहाँ element रखा है. In के आगे मेरी sequence. I've used the object t which is already created, which is already existing, and then I have the for loop is automatically taking care of bringing every element of t into the loop variable with each iteration, and after all the elements of t have been accessed, for is ending the loop. Fine. और उसके बाद आपका loop के बाहर वाला statement execute हो रहा है. See this, see the execution for yourself, children. This is the execution of this code, if you can make out. ठीक है, सो बिल्कुल सिंपल है. आप देखते जा रहे हो हर सीक्वेंस पर फॉर की वर्किंग बिल्कुल सेम है. सिंटेक्स में हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, अपनी सीक्वेंस को और लूप वेरिएबल के नेम हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो अब बढ़ते हैं फॉर के साथ डिक्शनरी कैसे एक्सेस होगी बेटा. डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. फाइन, डिक्शनरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू पेयर्स. तो पहले हम यहां पर एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं. ठीक, लेट मी क्रिएट अ डिक्शनरी डेज एंड व्हाट आई विल डू, आई जस्ट क्विकली गिव सम वैल्यूज टू इट, है ना. सो आई विल राइट वन एंड आई विल राइट वन इज माय द डे वन इज कॉल्ड मंडे. देन आई विल राइट my day 2 is called Tuesday. ठीक है, similarly I'll just quickly make 7 elements in this dictionary, 7 key value pairs, and where keys are the day numbers and the values are their corresponding names. So 4th would be Thursday, 5th would be Friday, 6th would be Saturday, and 7th day would be beta Sunday, the day we all of us, you know, eagerly wait for Sundays. ठीक है, सो दिस इज हाउ वन मंडे, टू ट्यूसडे, थ्री वेंसडे, फोर थर्सडे, फाइव फ्राइडे, सिक्स सैटरडे, सेवन संडे, माय डेज डिक्शनरी इज रेडी. ओके, डिक्शनरी वाला कोड रन करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज जरा दिखाना चाहूंगी फॉर लूप लगाने से पहले. लेट्स रन दिस कोड एंड चेक. सी, प्रिंट आई हैव टू राइट लेन ऑफ डेज. Let's run this code. So len of days is 7. You all know that when we print the length of a dictionary, it gives us the number of pairs in that dictionary. Okay, it is not going to see there are 14 things that I've written over here. 7 keys and 7 values, 7 corresponding values. But the count is not coming out to be 14.
Okay, the count is coming out to be 7. Why? Because there are 7 keys in this dictionary. So whenever you are printing the length of a dictionary, it comes out, it gives you the total number of key value pairs in that dictionary. ओके सो की वैल्यू पेयर्स का काउंट रिटर्न होता है. तो अब आप मुझे बता दोगे अगर मैं इस डिक्शनरी पर लूप चलाती हूं तो वो कितनी बार चलता है. लेंथ टाइम्स दैट इज इफ आई लूप ओवर दिस डिक्शनरी द लूप इज गोइंग टू रन 7 टाइम्स. ओके सो लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई लूप ओवर अ डिक्शनरी. एंड राइट ओवर हियर फॉर की इन डेज प्रिंट की. See what happens, children, when I'll run this. See what will happen. Dekho. If you let me just comment this statement so that our focus is only on the output of the for loop. Let's run this. Dekho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So what is it telling you? That when you are looping over a dictionary, the loop variable stores what? What does the loop variable stores? It is not going to store the complete pair. It is going to store the keys of the dictionary. ये ध्यान रखना बेटा. तो जो loop variable में fetch होंगी, dictionary पर जब आप loop लगाओगे, ठीक है? आपने लिखा for key, that is my loop variable in. इनके आगे आपने लिखा days, ठीक है ना? इनके आगे आपने लिखा बेटा days. So days में से क्या आएगा? Days तो मेरी पूरी dictionary जिसमें 7 pairs हैं. But loop variable में क्या fetch होगा? Loop variable में fetch होगा हर pair की key. ठीक है? So first iteration में key में आएगा 1, second iteration में key में आएगी 2, then 3, then 4, then 5, then 6 and last of all the डिक्शनरी में से लास्ट की जो की है दैट इज 7 दैट विल बी फेच्ड इनटू द की वेरिएबल. सो बहुत ध्यान से देखना डिक्शनरी पर जब आप लूप लगाते हो. डिक्शनरी पाइथन की एक बहुत यूजफुल कलेक्शन है. सो जब डिक्शनरी पर फॉर लूप लगता है तो लूप वेरिएबल में पूरा पेयर नहीं आता. पेयर की जगह क्या आता है बेटा? उस पेयर की आती है. वैल्यूज नहीं आती. नाइदर बोथ द थिंग्स आर ब्रॉट, ओनली कीज आर फेच्ड. एंड व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रिंट दिस की एंड सी फॉर योरसेल्फ. हमने इसको ट्राई करके यहीं पर देखा है. देखो हम इसको देख पा रहे हैं दैट हमारा आउटपुट जो आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है. दैट इज यू नो दैट इज नथिंग बट दे आर नथिंग बट द कीज ऑफ दिस डिक्शनरी. ठीक है? सो अब अगर आपको की के साथ उसकी वैल्यू भी देखनी है ना, तो आपको पता है आप कैसे लिखते हो. की लिखा आपने, यहां पर आप एक अपने पास से कोलन लगा दो. ठीक है? और आप वैल्यू देखने के लिए क्या लिखोगे बेटा? डेज जो डिक्शनरी का नाम है वो आप यहां लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लूप वेरिएबल जो आपकी एक एक करके की को लेकर आ रहा है. ठीक है? वन बाय वन इट इज फेचिंग द कीज ऑफ दिस डिक्शनरी. उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दो. आपको पता है आप डिक्शनरी को कैसे एक्सेस करते हो. डिक्शनरी की इंडेक्सिंग ऑटो नहीं होती जैसे पाइथन के बाकी ऑर्डर्ड कलेक्शंस की. पाइथन इंडेक्सिंग करता है लेकिन डिक्शनरीज आर इंडेक्स्ड बाय देयर कीज. सो स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? सॉरी, आई हैव रिटन की, आई शुड हैव रिटन की. तो जो की आपकी फेच हो रही है डिक्शनरी से बेटा, उसको की को प्रिंट कराओ यहाँ पर. और उस की पर जो वैल्यू है वो कैसे देखोगे? डिक्शनरी को लिखो, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इस वाले वेरिएबल को अंदर पुट कर दो. तो ये आपका कैसे एग्जीक्यूट होगा देखते हैं. सी द एग्जीक्यूशन बेटा. वन मंडे, टू ट्यूजडे, थ्री वेंसडे, फोर थर्सडे, फाइव फ्राइडे एंड वी हैव यू नो वॉट 6 सैटरडे एंड 7 संडे. इस तरीके से आपकी ये कीज प्रिंट होंगी. की वेरिएबल में, लूप वेरिएबल में की आ रही है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखने के लिए आपने क्या लिखा है यहाँ पर? डिक्शनरी नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट में की. तो ये कैसे चलेगा? एक जल्दी से इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं. तो जैसे सपोज आपके जब की आई, की है क्या बेटा? की. और दूसरी चीज आप प्रिंट में क्या ले रहे हो? डेज के की. डिक्शनरी को थोड़ा इलैबोरेट करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि डिक्शनरी में लूपिंग कैसे होती है? कीज आती है. तो पहली की आपकी क्या फेच हुई डिक्शनरी से? 1 बेटा. ठीक है? फिर आपने यहाँ क्या लिखा? इस सेंटेंस का कैसे इंटरप्रिटेशन हुआ? डेज का 1. ठीक? सिमिलरली जब आप यहाँ 2 लिखोगे तो इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? डेज का 2. ठीक? और ये कब तक चलेगा बच्चे? ये चलेगा आपका 3 4 5 6, लास्ट में जब की आएगी 7, जब आपका लूप ओवर होगा तो यहां पर क्या आएगा? डेज का
डेज डिक्शनरी का सेवेंथ की, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस कोड इज कैन बी अंडरस्टूड। तो अब आप देखो की में जब वन आया तो डेज के वन पर क्या है, मंडे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, मंडे। जब कीज में की में टू आता है तो डेज के टू पर क्या है बेटा, डेज के टू पर वैल्यू स्टोर्ड है, टू की पर वैल्यू स्टोर्ड है ट्यूजडे। ये सारी कीज के लिए एग्जीक्यूट होगा अपने आप, और लास्ट की जब आपकी फेच होगी सेवन, तो डेज के सेवन पर क्या है बेटा, सेवन पर स्टोर्ड है संडे, ठीक है। सो इस वजह से आपका जो आउटपुट आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा, पहले की प्रिंट होगी, की वेरिएबल में सिर्फ की आएगी, और उसकी की वैल्यू देखने के लिए आप डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस वेरिएबल को पुट करोगे। सो इट इज आल्सो गोइंग टू शो यू द वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट की। सो फॉर लूप को आपको डिक्शनरी में ध्यान रखना है कि जब आप डिक्शनरी पे फॉर लूप लगाते हो तो वो कितने टाइम्स चलता है, जितने की वैल्यू पेयर्स हैं उतने टाइम्स, ठीक है। प्लस डिक्शनरी के फॉर लूप के एक लूप वेरिएबल में क्या फेच होता है उस कलेक्शन से, कीज आर फेच्ड। सो आपको की भी देखने का तरीका पता होना चाहिए, और उसकी की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखने के लिए आपको क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। दिस कोड इज क्लियरली टेलिंग यू हाउ दैट कैन बी डन, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप, हाउ वी कैन यूज इट विद अ स्ट्रिंग, वी कैन यूज इट विद अ लिस्ट, वी कैन यूज इट विद अ टपल, और वी कैन यूज इट विद अ डिक्शनरी। आई हैव गिवन यू एन इनिशियल इंट्रोडक्शन, एंड the next session we are going to take up the for loop with the else part and see how for and else work together, theek hai। so till we meet again children, I just have to tell you one thing, is video ko dhyan se dekhna aur please in quotes ko practice karke dekhna, aur I'll eagerly wait for your comments, and till we meet again children, as I always say, happy learning and God bless you।